सर वो रहे सेंस का बंदा होगा, इसके पास तो होगा कुछ ना कुछ। कुछ नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा है ही नहीं कुछ, हम ऐसे काम ही नहीं करते, क्या फायदा फिर वहाँ से रस्सी में पटे सर। हाँ क्या करेगा, चाबी नहीं ले जा सकते ऐसे। चाबी निकाली दे रही, चाबी निकाली, मैंने कहा सर चाबी तो दे दो। वो रहेगी कौन सी वैली से है, कहाँ से है? मैंने बोला कुल्लू, इनके कान खड़े हो गए कुल्लू सुन के। फिर जब मैंने सहज वैली बोला, बोला तुम सहज वैली वाले तो यही काम करते है, बोला पोलाइटनेस नहीं है बात करने की बिल्कुल भी। सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज संजीव चौहान, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज है 25th of March और जैसे ही मैं सुबह उठा मैंने यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया टीचर स्टूडेंट वाला, उसमें मैंने देखा कि डेट सेट आ गई है सेशनल एग्जामिनेशन की, तो मेरा एग्जाम है परसों यानी कि 27th of March को, इसलिए मेरे को सडनली मतलब अपने प्लान्स चेंज करने पड़े और मेरे को वापस जाना पड़ रहा है ताकि मैं एग्जाम की तैयारियां कर सकूं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बैग भी पैक कर लिया अपना, इसमें मेरी जरूरत का सामान है, थोड़ा चार्जर वगैरह है इसमें, ईयरफोन और थोड़े कपड़े हैं। चलिए वैसे तो मेरे को मम्मी बोल रही है ब्रेकफास्ट करने को, बट मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट करने बैठ गया ना फिर और भी लेट हो जाऊंगा, तो मैं सोच रहा था कहीं आगे ही खा लूंगा। चलो यहाँ देखो कुछ चीजें दिखाऊंगा आपको आज संजय चौहान की अचीवमेंट्स। ये गया था मैं एक जगह स्पेशल गेस्ट, गया था मैं एक डांस एकेडमी की ओपनिंग सेरेमनी में, और ये मेरे को एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया था, एड्रेस पे भिजवाया था ये, और ये आप लोगों ने गिफ्ट किया है, और ये भी मेरे को किसी खास ने गिफ्ट किया है, मेरी और मम्मी का फोटो। तो अभी आप टाइम देख सकते हो 11:15 हो रहे हैं, मेरे को यहाँ से 11:20 तक निकलना है किसी भी हालत में, सो लेट्स गो। हाँ जी हो गया, यहाँ देखो गाइस निंजा टेक्निक, ये थिप्पू बोलते हैं इसको दाटू लोकल में, ये बांध के फोन टिकाना है और काम करते करते बात करते हैं। अब जाना हो गया, मैं लेट हो जाएगा। कहाँ जा रहा भाई जी? मनाली जा रहा है। पर जाना पड़ना मेरे को, आज जा रहा है ना भाई जी, शाम को वापिस आना। अरे लगे मेरा मूड चेंज करने, अब कल जाऊंगा तो थक जाऊंगा, पढ़ूंगा कब। गाइस पापा जी ने पूरी कोशिश की थी मेरा मूड चेंज करने की कि मनाली चल मनाली, तो मैं सोच रहा हूँ अब मनाली नहीं जाऊंगा, अगली बार कभी चले जाऊंगा मनाली। एग्जाम्स नहीं होते ना तब मैं पक्का रुक जाता मनाली जाने के लिए और आपको दिखाता, पर मेरे एग्जाम फंस रहे हैं ना तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं निकलते हैं? मम्मी जी बोल रही है पहले दे मेरे को झाड़ू मारने तब जाई बार, जब ऐसा झाड़ू मारते है ना, झाड़ू मारती बार कोई बार नहीं निकलता है, बोला अशुभ होता है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है भाभी, नहीं नहीं जाना पेपर है कल, मनाली घूमने दे, मनाली घूमूंगा मैं फिर कभी, अभी जाना पेपर है कल, पेपर नहीं होता तब तो रुक जाता हूँ। ठीक है माँ, मिलते हैं ना। ठीक है अंकल जी, बढ़िया जा रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी की तरफ, मेरे एग्जाम है परसों। क्या बात है, वाह, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर कभी, गुजरात आइए आप जरूर। ठीक है गाइज, ये वही गेस्ट है जो पिछले कल आपने मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, ये लोग गुजरात से हैं, मेरे होम स्टे में स्टे कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं यार, इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले मैं इनको बाय कर दूं। मेरे साथ बहुत अच्छे से इन्होंने बातें की है, इतने दिन जितने भी दिन रहे, ये 2-3 दिन रहे, तो मतलब बहुत अच्छे लगे मेरे को ये लोग। आप सोच रहे होंगे जाते हुए मैं अपने भाई और दादा से क्यों नहीं मिला, वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई और मेरे दादा वो घर पे अभी है ही नहीं, वो गए हैं अभी एक गाँव किसी काम से, सुबह सुबह गए हैं दोनों। गाइज ये देखो कितना मौसम लग रहा है ना, यहाँ से थोड़ा आगे मेरे को बस मिलेगी। पहले पता क्या हुआ, पहले मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी उठूंगा और भाई को बोलूंगा कि मेरे को छोड़ के दे, पर फिर भाई चला गया तो अब मेरे को खुद ही जाना पड़ रहा है। यहाँ देखो आप, बिल्कुल घना जंगल, एकदम मौसम वाली वाइब, और ये हल्की हल्की धूप। ये देखो हमारे पहाड़ों में ऐसे नेचुरल पानी के स्रोत मिलना बहुत कॉमन है, ये जो पानी है ना इस पहाड़ी से आ रहा है, और ये जो पाइप है ना इससे उस पानी के पास कनेक्शन दिया हुआ है ताकि वो पानी यहाँ तक निकाला जा सके, और मेरी तरह कोई राह चलता मुसाफिर अपनी प्यास बुझा सके। लोग बोलते हैं ना पानी में टेस्ट नहीं होता, पानी टेस्टलेस होता है, यहाँ के पानी में टेस्ट होता है गाइस। एक छोटी सी ग्वाली देखो बकरियाँ चरा रही है, आजा 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 दोस्त हूँ मैं, गुड 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 गुड। यहाँ देखो गाइस छोटी सी बकरी, ए हे हे हे। बिल्कुल इसी तरह से निकलता है पहाड़ों से पानी जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह का पानी जो है ना इसी को एक जगह कन्वर्ज किया जाता है, फिर वहाँ पे पाइप लगाई जाती है और वो पाइप से फिर वो इकट्ठा होके बाहर निकलता है वो पानी जो कि पीने लायक बनता है। फिर जैसे कि अभी मैंने आते हुए पिया था ना एक जगह, वो इसी तरह से कन्वर्ज करके जो पानी इधर उधर से आ रहा है
एक पाइप के थ्रू वैसे सेटअप किया गया था। देखो कितनी कमाल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, छोटी से छोटी चीजें हैं पर मोस्टली लोगों को पता नहीं होती है, तो मैं सोचा क्यों ना चलते चलते दिख रही है तो शेयर कर दूं। कोइंसिडेंस देखो भाई, मेरे ही ब्लॉग देख रहे हैं और मैं इनके पीछे बैठा हूँ। तो गाइज यहाँ से 30 किलोमीटर बचता है मेरा सफर अभी, तो यहाँ तक मेरे को बिज्जू भाई वगैरह लेने आए हैं, तो यहाँ आ गए गाइज वो लोग। ओहो बिज्जू भाई क्या हाल है? बस बस बढ़िया। और पीयूष ठीक है तू? ये लग गया भाई ट्रैफिक, अब यहाँ पूरा दिन मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, कब से वेट कर रहा था ये मेरा। तो ये मेरा फ्लैटमेट है और क्लासमेट है, पीयूष नाम है इसका, और बिज्जू भाई, पीयूष, मैं और एक और बंदा है अभी भाई, हम चार फ्लैटमेट्स हैं। तो ये मेरे को लेने आए थे यहाँ तक। जिस सीट में मैं बैठा था ना, उस सीट के आगे थे तीन बंदे बैठे और वो तीनों देख रहे थे मेरा ही ब्लॉग उस टाइम। फिर दिखा मैं उनको, फिर मिलाया उन्होंने हाथ उठ मेरे से। कुछ नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, है ही नहीं कुछ, हम ऐसे काम नहीं करते, क्या फायदा फिर वहां से? पक्की बात है, हाँ ये बंदा लेने गया है। न्यूली में ये मेरा घर, न्यूली में ये मेरा घर प्रॉपर, शानगढ़ में घर है, वहाँ से माइग्रेट हुए हैं न्यूली को। न्यूली कहाँ जैसे थे? न्यूली में मेरा होम स्टे है। क्या बर्तन वाले की दुकान थी नीचे? सर वो रहे सैंज का बंदा होगा, इसके पास तो होगा कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ी होता है। कौन सा अब रासी में हो तुम? क्या कर हो गया? मैंने नहीं ये देखा ना, मैं तो बोल देता भाई चाबी कैसे ले रहे हो तुम, कोई भी पुलिस वाला तुम्हारी गाड़ी रोक के चाबी नहीं निकाल सकता खुद से, पहले चाबी निकाली उसके बाद बोल रहे की कौन सी वैली से है कहाँ से। मैंने बोला कुल्लू, इनके कान खड़े हो गए कुल्लू सुन के। फिर जब मैंने सैंज वैली बोला, बोला तुम सैंज वैली वाले तो यही काम करते हैं, बोला मतलब ये भांग भूंग का पोलाइटनेस नहीं है बात करने की, बिल्कुल भी बोलो कुछ है पर पोलाइटनेस होनी चाहिए स्टार्टिंग में, तो पोलाइटनेस बात करने का तरीका होना चाहिए। वो तो मतलब इन्होंने, वो तो मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ वरना मैं तो कर देता इनके साथ लड़ाई। माहिर नहीं हूँ उस चीज में, बट भाई जहाँ गलत है वहाँ गलत है ना। पीयूष बेचारा, इसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी यार। ये वैली के हिसाब से नहीं बोल सकते भाई ये, कि मतलब सैंज वैली का है, सारे बंदे ऐसे ही होते हैं सैंज वैली के, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम मिल गए थोड़े शरीफ इनको सैंज वैली का, कोई और मिला होता फिर। और मेरे को गाइस स्पेशली मतलब जैसे उतरने से पहले ही बोला कि इसको चेक करो सबसे पहले, पता नहीं यार मेरे को देखने से ऐसा लगता है क्या कि ऐसे कोई काम करता हूँ। बोला इसको चेक करो, मेरे को पजामा भी खींचने लग गए थे भाई, मेरा तो कुछ अजीब ही तरीके से बात करते हैं। बाहर निकल, कल से एक्सरसाइज शुरू। जो ये बैली वाली बात की ना उन्होंने, इसको सुन के हुआ मेरा सबसे ज्यादा दिमाग खराब। खैर अब चलते हैं, सिर दर्द हो रही है मेरे को ये सोच के, ज्यादा नहीं सोचूंगा अब इस बारे में, चलते हैं। आप देखो दोस्तों कितना रोमांटिक हो गया है, पर क्या फायदा, केसरिया हो गया, केसरिया रंग भाई रात के टाइम में। तो दोस्तों रात के समय पहुंच गए हम अपने फ्लैट, और अभी मैं सोया हुआ था, थोड़ी देर पहले ही उठा क्योंकि मैं थक गया था बहुत ज्यादा, सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ, और अभी मेरे को ये वाला ब्लॉग एडिट भी करना है। और जहाँ तक जो वो पुलिस वाला इंसिडेंट हुआ था आज, उस पर हमें पता है कि पुलिस वालों का काम ही चेकिंग एंड ऑल करना, बट ऐसे जो चीजें उन्होंने बोली वो अच्छी नहीं लगी मेरे को, इसलिए मैंने उस चीज पे थोड़ा कह दिया। बाकी आप अपने जो ओपिनियंस है वो भी कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग, ब्लॉग देखकर कैसा लगा जरूर बताना। आपसे मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।